me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up my. हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की विंटर्स कैसी जा रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होम मेकिंग की ऐसी अमेजिंग टिप्स शेयर कर रही हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। आप लोगों के घर से जो वेस्ट निकलता है उसे आप लोग प्रॉपरली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने टाइम की बचत कैसे करेंगे, क्योंकि होम मेकिंग के अंदर हमें समय को सबसे ज़्यादा बचाना सीखना चाहिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो अब हमारे पास ये जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं ना, उन्हें फोल्ड करने का जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। आप लोगों को कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनाना है और यहाँ पे एक दो तीन, बस तीन फोल्ड कीजिए और जो पॉकेट बनेगी उसके अंदर आप लोग इसके दूसरे एंड को डाल दीजिए। इसी तरीके से मैंने अपने घर के सारे ब्लैंकेट्स को फोल्ड करा। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये अब नया किचन कौन सा आ गया है, तो मैं अभी अपनी मम्मी के घर पर आई हुई हूँ बच्चों को लेके, तो इसीलिए कुछ शॉट्स आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। बेडशीट्स को रखने के लिए आप लोगों के पास ना एक जो इजी तरीका मैं शेयर कर रही हूँ, एक बार आप लोग फॉलो करके देखिएगा। आप लोगों को बेडशीट को इस रेक्टेंगल जब फोल्ड आ जाता है तब रोक दीजिए। दोनों पिलो कवर्स को यहाँ पे साइड में लगाइएगा एंड इस तरीके से क्रीज बना के आप लोगों से फोल्ड कीजिए। ये तरीका जब मैंने अपनी मम्मी को बताया तो वो भी हैरान हो गई कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। वो पहले पिलो कवर्स के अंदर रखा करती थी बेडशीट को, पर ये तरीका उन्होंने बोला कि अब मैं ऐसे ही फॉलो करने वाली हूँ, ये बहुत ही आसान लगा। आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मेरी मम्मी से मैंने ली हैं, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारी सारी बेडशीट्स, कुशन कवर्स और मैंने छोटे छोटे पिलो कवर्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा। घर में कैलेंडर का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। मैं अपने घर पे नहीं करती थी पर अब जरूर करूंगी। इसके अंदर आप लोग दूध का हिसाब रख सकते हैं, न्यूज़पेपर का रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने कब पे करा ये भी रख सकते हैं। तो एक कैलेंडर एक ही महीने का आप लोगों को सारा हिसाब बता देगा। और इसके साथ साथ यहीं पर मैं पेन भी रख देती हूँ। मेरे घर में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मैंने पौधे वगैरह आप लोगों को दिखाए हैं, फ्लावर्स दिखाए हैं, तो मम्मी को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हमेशा करती हैं। तो जो फूल पौधों से टूट जाते हैं उनको वो अच्छे से ड्राई कर लेती हैं, यहाँ पर इस तरीके के तसले में रख देती हैं। जब ये बीज बन जाते हैं तो वापस से इन्हें ग्रो करती हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि पौधे किस तरीके के अब हुए हैं यहाँ पर विंटर्स के अंदर। मम्मी के पास अगर कोई बास्केट होती है ना और उसकी लिड मतलब बची हुई है, बास्केट टूट गई है, तो वो उसका इस तरीके से भी यूज़ करती हैं। जो भी सब्जियां खरीदती हैं उन्हें वॉश करके इसमें ड्राई होने के लिए रख देती हैं। ये आइडिया तो मैं भी फॉलो करने वाली हूँ अपने घर जाके। न्यूज़पेपर को आप लोग अपने घर में बहुत तरीके से यूज़ करते होंगे, पर जब आप लोग चॉपिंग वगैरह करते हैं तब भी आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी आप लोगों का काउंटर टॉप ख़राब नहीं होने वाला है। प्याज को स्टोर करने से पहले उसके छिलके ज़रूर उतार लीजिएगा। इससे एक तो जो प्याज के छिलकों का मैस हो जाता है बास्केट में वो भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये छिलके आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये काम आप लोग पहले ही कर लें। बास्केट के अंदर हमेशा एक न्यूज़पेपर ज़रूर लगाएं ताकि बास्केट से कुछ भी कचरा जो भी निकलता है वेस्ट वो झड़ के कहीं भी किसी भी सरफेस पर ना गिरे। ये छोटी सी टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए प्याज जो हम लोग कट करते हैं वो और जो छिलके निकल जाते हैं उनके अंदर आप लोग पानी डाल के रख दीजिए। दो दिन में आपका ये पानी रेडी हो जाता है। स्प्रे बॉटल में डाल के आप लोग अपने सारे पौधों में डाल सकते हैं। दरवाज़ों के नीचे का जो गैप होता है विंटर्स के अंदर, यहाँ से बहुत जल्दी हवा भी आती है घर के अंदर ठंडी ठंडी, और उसके साथ साथ इंसेक्ट्स वगैरह डस्ट आने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो उसके लिए ये वाला मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो इससे आपका जो गैप है वो पूरा फिल हो जाता है दरवाजे का, और बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि क्वालिटी मैं इसकी देख रही हूँ खुद ही अपने घर पर, अच्छा लगा मुझे ये।
फ्रिज के नीचे आप लोग एक फ्रिज का स्टैंड ज़रूर बनवाइए, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कीजिए। इससे आपके फ्रिज की जो लेग्स होते हैं उनके ऊपर वेट ज़्यादा नहीं आता है, उसे एक सपोर्ट मिलता है और इसके नीचे का जो एरिया है ना उसकी भी आप लोग इजीली क्लीनिंग कर पाते हैं, यहाँ पे इजीली झाड़ू पोछा निकल जाएगा। आरओ की जो ऊपर की सरफेस है वो आप लोगों को हमेशा लगेगा डस्ट से जल्दी जल्दी भर जाती है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग कोई भी प्लास्टिक की शीट लगा के रख सकते हैं या फिर कोई आप लोगों के घर पे पुराने कपड़े हैं उनका यूज़ कर सकते हैं जो कि देखने में सुंदर हो, वो आप लोग इसके ऊपर लगा के रखिए। इससे हम लोग आरओ की टॉप सरफेस को क्लीन रख पाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हमें इसकी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग होम मेकिंग के टिप्स शेयर करी। आप लोगों को कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। और आप लोग विंटर वेकेशन में बच्चों के साथ कैसे स्पेंड करने वाले हैं टाइम, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मे बी आप लोगों के आइडियाज़ मुझे भी हेल्प करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई थी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर माई डेली लाइफ अपडेट्स। मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।